कहाँ से बेटा आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू? हाँ जी। कौन सी जगह? बंजार। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम। अच्छा, कहाँ बैठ के? घर में या इधर ही सर, शिमला में। शिमला में? समर किया क्या आप यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी से सर मैंने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग से मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में? हाँ जी सर। अच्छा, गुड। You also have said that you discuss current issues with your friends. Sir, like Manipur mein violence हुआ अभी, मेटी crisis हुआ। क्या क्या crisis था? उसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने एक verdict दिया था कि मणिपुर गवर्नमेंट को consider करना चाहिए कि मेटी tribe मेटी जो ethnic community है वहाँ पर, उनको ट्राइबल स्टेटस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे वायलेंस हुआ। कौन से कौन किस ग्रुप्स ने ये ऑब्जेक्ट किया या प्रोटेस्ट किया? सर ये ट्राइब कौन सी ट्राइब्स? दूसरी ट्राइब्स वहाँ पे नागा हैं, कुकी हैं। नागा वो क्यों कर रहे हैं इसके? व्हाई आर दे प्रोटेस्टिंग? सर वो लोग ये बोल रहे हैं कि मेटीज पहले से ही, मतलब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है, 60 सीटों में उनकी 40 सीटें उन्हीं की साइड से आती है, वो प्लेन्स में हैं और नागाज और कुकीज पहाड़ों में रहने वाले, टफ टेरेन में रहने वाले लोग हैं, और इकोनॉमिकली भी मेटीज ज़्यादा अच्छे हैं नागाज और कुकीज से, और इस तरह से अगर इनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो हमारे बेनिफिट कहीं ना कहीं हम पर होंगे। कुछ रिजर्वेशन बेनिफिट्स वो कम है? हाँ जी सर। तो हमारे हिमाचल में भी रिजर्वेशन मांग रहे थे ना, हाटी स्टेटस मांग रहे थे ना। हाँ जी सर। वो क्यों मांग रहे थे? व्हाई, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर गिविंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ए स्टेटस ऑफ व्हाट यू कॉल दिस ट्राइब? लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं कि हमारी कोई ट्राइब करो, क्यों करते हैं? ट्राइब का नंबर एक, नंबर दो ट्राइब के लिए कोई यार्ड स्टिक्स होंगे ना कि विच कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर्ड ए ट्राइब? सर इसके जहाँ तक मैंने क्राइटेरियाज पढ़े हैं, पहला ये है कि उनका कल्चर अलग होता है बाकी कम्युनिटी से, आस पास वाली से, इंडिजिनस कल्चर उन लोगों का होता है। दूसरा ये कि उनकी इंटरेक्शन का लेवल बाहर वालों के साथ कम होता है, और जो जियोग्राफिकली भी वो सेक्लूडेड होते हैं। हाटी का कोई विशेष पता है? तो हाटी कहाँ की ट्राइब, कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहे हैं? जी सर, हाटी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है उसके ट्रांसगिरी रीजन के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं। हाटी जो नाम आया है ये बेसिकली जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो वो लोग बोलते हैं कि पुराने ज़माने में हम लोग हाट्स लगती थी उनमें जाते थे, जो इस ट्राइब का मांग कर रहे हैं जो। थोड़े दिन पहले सेम सेक्स मैरिज की बातें होती रही। हाँ जी सर। लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, सुनवाई भी हो रही है, तो क्या है यार, व्हाट इज योर टेक ऑन सेम सेक्स मैरिज? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? व्हाई पीपल आर आस्किंग फॉर सेम सेक्स मैरिज? सर इसमें खासकर नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया था, और उससे पहले केस आया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे ये फैमिली सिस्टम को खराब कर देगा, हमारे कल्चर को खराब कर देगा, हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो है उनमें कोई दरार आ जाएगी, ये होगा वो होगा। व्हाट इज योर ओपिनियन, शुड इट बी और शुड इट नॉट बी? सर मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट एस्पेक्ट में अगर हम सेम सेक्स मैरिज को लाते हैं तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे। अच्छा, वैसे तो अगर देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से, अगर सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है
तो हम सेम सेक्स मैरिज को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर सोसाइटियल इम्प्लीकेशंस ध्यान में रखनी होगी। कुल्लू की कोई दो पर्सनैलिटीज, कोई पॉलिटिकल या अदरवाइज फेमस जो आप समझते हैं? लालचंद प्रार्थी, वॉज वो एक पॉलिटिशियन थे, एक राइटर थे, और डिकी डोलमा, एक वो क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली महिला है। आपने अपनी नोटेबल अचीवमेंट्स में मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी पार्टिसिपेट हाँ किया जी है, तो सर। कैसे कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसमें? सर मैथमेटिक्स मैथमेटिकल ओलंपियाड जो बेसिकली हुआ था, ये 2009 में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इसमें बच्चों को कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करने को दिया जाता है, तो उसमें मैं थर्ड था डिस्ट्रिक्ट में। तो मैथमेटिक्स एज करियर क्यों नहीं ऑप्ट किया आपने फर्दर? तो मैंने बीएससी तक तो मैथमेटिक्स पढ़ा, उसके बाद सिंस मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में था तो मैंने फिर इसको आगे परस्यू नहीं किया। ओके, तो आपने जो आपकी प्रेजेंट ऑप्शन है नायब तहसीलदारी सर्विसेज की, इसमें आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स का किसी तरह से कंट्रीब्यूशन होता है या हो सकता है? सर इसमें मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन मेरे को लगता है कि जहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती होगी उसमें होगा। सही है आपका इसमें, क्योंकि बेसिकली एज नायब तहसीलदार आप रेवेन्यू रिकॉर्ड से डील करोगे, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको एरियाज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मैप्स बनाने पड़ेंगे हाँ जी और सर। मैप के एरियाज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैथमेटिक्स विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। तो और क्यों चुन रहे हैं आप इस सर्विसेज को? सर सबसे पहले तो नायब तहसीलदार एक पब्लिक सर्विस है, दूसरी बात है कि प्रेस्टीज एसोसिएटेड है इस सर्विस के साथ, और चैलेंजिंग सर्विस भी है कैसे चैलेंजिंग कैसे? क्योंकि इसमें डे टू डे पब्लिक एंगेजमेंट है, पब्लिक डीलिंग इतना आसान काम भी नहीं है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार में क्या फर्क होता है, और बेसिकली इसको रेवेन्यू सर्विस भी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? तहसीलदार और नायब तहसीलदार में तो मैं जितना डिफरेंस समझ पा रहा हूँ, मेरे को तो लगता है कि सीनियर और जूनियर का तो डिफरेंस होगा, बाकी तो पावर्स तो ऑलमोस्ट सेम सेम ही होगी। थोड़ा सा हायरार्की का फर्क है, हायरार्की का फर्क। और सर देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे तहसीलदार एक्सरसाइज, हाँ जनरली तहसीलदार और नायब तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर्स की पावर होती है, दो एरियाज के अंदर तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड की पावर होती है और नायब तहसीलदार को सेकंड ग्रेड की पावर होती है। एक तो एक जो गवर्नमेंट लैंड्स पे लोग एनक्रोचमेंट करते हैं हाँ जी सर। उसमें जब उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन एविक्शन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है, तो उसमें अगर पार्टीज बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारी ऑनरशिप की लैंड है, हाँ जी तो सर। तब उसको तहसीलदार एज एसी फर्स्ट ग्रेड डिसाइड करता है हाँ जी सर। और बाकी सब चीज़ों में एसी सेकेंड। और एक पार्टीशन मैटर्स में जहाँ पे वही ऑनरशिप का क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई ये लैंड उसकी है कि नहीं है, तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि कुछ एरियाज में तहसीलदार एज एसी फर्स्ट ग्रेड काम करता है और बाकी एरियाज में बराबर पावर से एसी सेकंड ग्रेड पावर एक्सरसाइज करते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, और एसडीएम जो है वो एज कलेक्टर पावर एक्सरसाइज करते थैंक हैं। यू सर। आपने अपने बायोडाटा में दिया है कि सोशल वर्क में भी आप इंटरेस्टेड रहते हैं, तो किस तरह की एक्टिविटीज? सर बेसिकली क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर कुल्लू स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, तो हमारा रहता है कि ब्लड डोनेशन में काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट रहती है। हर साल मतलब 60 से 70 स्टूडेंट ब्लड डोनेशन करता है। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में रहती है, क्लीनिनेस ड्राइव यूनिवर्सिटी सैनिटरी वगैरह में हम लोग चलाते हैं।
तो नॉर्मली विच काइंड ऑफ अदर एक्टिविटीज वुड इन्वॉल्व सोशल वर्क जनरली? सर और भी जैसे हम लोग एक एसोसिएशन के थ्रू सोच रहे थे कि जैसे हमारे गांव से कुछ एक लोग आते हैं जिनको हॉस्पिटल्स का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो उनको एक आध दिन गाइड कोई जा सकता है यूनिवर्सिटी से? रिसेंटली काफ़ी टाइम से नॉट ओनली हिमाचल बट सराउंडिंग स्टेट्स में एक बड़ी मैनेस एमर्ज हुई है और बढ़ती जा रही है, ड्रग मैनेस। तो इसके बारे में क्या आपके? सर मैं समझता हूँ कि ड्रग मैनेस के रिगार्डिंग एक तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है पहले। हो कहाँ रहा है कुल्लू में ज़्यादा? कुल्लू में सर बेसिकली जहाँ पे टूरिस्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हो रहा है, जैसे मनाली हो गया, कसोल हो गया। अच्छा, जो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं। एक टूरिस्ट भी इस पर्पज से आ रहा है कि हम रिक्रिएशनल पर्पज के लिए इसको यूज करेंगे, उनको लगता है कि वहाँ पे इजी एक्सेस होगा। और इसमें जो बिजनेसमैन हैं इन्वॉल्व उनके लिए एक आसान सा काम हो जाता है अपने आप को ज़्यादा फिनेंशियल बेनिफिट देने के लिए। तो गवर्नमेंट का क्या कंसर्न है इसके और व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग टू टाइड ओवर? गवर्नमेंट सबसे पहले तो आजकल जो जैसे चिट्टा का काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है, उसके रिगार्डिंग बॉर्डर एरियाज में काफ़ी चेकिंग हो रही है और काफ़ी सारे केसेस में पकड़े भी गए हैं लोग। दूसरा सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, यूथ को अवेयर कर रहे हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। एक गवर्नमेंट की स्कीम है मित्रा स्कीम, जिसमें कि जो ड्रग एडिक्ट्स होंगे उन लोगों को डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाने का काम एक समाज सेवी द्वारा किया जाएगा। रविंदर का क्या मतलब होता है? रविंदर सर मींस लॉर्ड ऑफ सन। रविंदर, यू हैव रिटन, आई हैव हेल्ड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ऑफ माय स्कूल फॉर 2 इयर्स। व्हाट डिड यू डू व्हाइल यू वर प्रेसिडेंट? सर जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब का प्रेसिडेंट रहा मैं, उसमें बेसिकली मेरा फंक्शन ये होता था कि जैसे डेली मॉर्निंग असेंबली की जो रूटीन होती है वो क्लब वाइज होती है, तो मेरी ड्यूटी होती थी कि हर एक एक्टिविटी के लिए जितनी भी 7-8 एक्टिविटी सुबह होती है तो उसके लिए लोगों को डेप्यूट करना, और अगर कोई उस दिन प्रेजेंट ना हो तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव बैकअप तैयार रखना। और स्पोर्ट्स सेक्टर में जो कि जिसके इवेंट सैटरडे को होते थे तो उसमें भी हर एक इवेंट के लिए टीम सेलेक्ट करना मेरा काम होता था, जो हमारे साथ हमारे एक क्लब को हेड करने वाले अध्यापक होते थे उनके साथ मिलकर मैं टीम भी सेलेक्ट करता था। नायब तहसीलदार के लिए आप आए हैं, नायब तहसीलदार की बेसिक फंक्शंस क्या है? सर नायब तहसीलदार के बेसिक फंक्शंस हैं, पहला तो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको उनकी सुनवाई करना, दूसरा लैंड सेटलमेंट करना। आप शिमला में रह रहे हैं? हाँ जी सर। समय से शिमला में आपने क्या 3 प्रॉब्लम्स देखी हैं जो यहाँ पर चल रही हैं? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और अर्बन सेंटर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की आप बात करें, ट्रैफिक का इशू है। हाँ जी, क्या सोल्यूशन है इसके लिए? सर जैसे अभी रिसेंटली शिमला के SP महोदय जी संजीव गांधी जी ने एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान चलाया है, उससे भी मेरे को पर्सनली लगता है कि क्या होता है प्लान क्या है? सर इसमें ऐसा है कि ट्रैफिक को पहले क्या करते थे, मैं SP साहब की स्टेटमेंट बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि हम ट्रैफिक को बॉटलनेक्स में कंट्रोल ना करके एंट्री पॉइंट पे कंट्रोल करेंगे। जैसे ट्रैफिक बॉटल नेक्स आपके विक्ट्री टनल है, आपका टॉलेंट चौक है, संजौली चौक हो गया, यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल ना कर हम उनको उससे पहले ही व्हीकल की एंट्री एक लिमिटेड एंट्री देंगे, हॉल्ट पॉइंट पे रोक देंगे, और जब ट्रैफिक हाई होगा तो 1 मिनट के अंदर
42nd नंबर ट्रैफिक रोकेंगे, सॉरी 42nd ट्रैफिक छोड़ेंगे, 20 सेकेंड रोकेंगे, फिर अगर थोड़ा मॉडरेटली हाई ट्रैफिक हो जाता है फिर 30 सेकेंड रोकेंगे, 30 सेकेंड छोड़ेंगे, अगर बहुत हाई ट्रैफिक हो जाता है तो हम 40 सेकेंड छोड़ेंगे और 20 सेकेंड रोकेंगे व्हीकल्स को। आप कह रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, इंडिया में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है और ओवरऑल हम रैंक वन बन चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में, तो क्या ये एक इशू है, और अगर ये एक इशू है तो कैसे इसको सेटल किया जाए, कैसे, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, ठीक है, कैसे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर ना बने। सर इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो 2.5% के आसपास है, पॉपुलेशन में हम नंबर वन पर पहुंच गए हैं पर हमारा रिप्लेसमेंट लेवल से हम नीचे हैं, जैसे रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, हम 2.0 के लेवल पे हैं इस टाइम, और हमारी पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफिक डिजास्टर से डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर तब ले जा सकते हैं अगर पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी दे कि वो वर्कफोर्स में भागीदार बने, एक्टिव भागीदार बने। खासकर तो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि जापान में भी पॉपुलेशन है, हाँ जी सर, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, अच्छा थ्राइव कर रहे हैं, अच्छा डेवलप कर रहे हैं जी सर, है ना, क्यों वहां ऐसा क्या जो यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। सर सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है, दूसरा स्किल डेवलपमेंट की कमी है, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की भी कमी है। एंटरप्रेन्योरशिप की कमी क्यों, जैसे आपको देखिए ना, आप पढ़ रहे हैं, मैंने देखा कि आप 2012 में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हाँ जी सर, तो 2019 में आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेट निकाल रहे हैं, अभी आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं गए। सर मेरे तो बेसिकली मैं अपने केस में बोलूँ तो मेरे बेसिक रीज़न ये है कि मेरे पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है नहीं, जैसे मेरे पास बी टेक या एमबीए नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि इंडिया में अभी भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा सिक्योर फील करता है और स्पेस बनाने के लिए भी गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, मतलब सोसाइटी में स्पेस बनाने के लिए, सोसाइटी में स्पेस बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन ज्यादा, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं कि आपने बताया कि बीटेक या एमबीए नहीं है, तो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट किया जाए। सर इसके लिए जैसे हमने स्टार्टअप स्कीम चलाई थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलाई थी, उससे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, हम स्टार्टअप्स के मामले में वर्ल्ड में 3rd नंबर में इस टाइम, इवन यूनिकॉर्न के मामले में भी हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से गवर्नमेंट को और भी स्कीम चलानी चाहिए और यूथ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब सीकर बनाने के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने की ओर करिकुलम बनाना होगा। तो ऐसा क्या करें, क्योंकि ना जैसे आप बोल रहे हो स्कीम्स बनानी चाहिए, स्कीम्स है, स्किल इंडिया चल रहा है, ठीक है ना, बहुत चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या, मान लीजिए हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप ऐसा क्या करोगे कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, मतलब उनका रुझान बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े और इस चीज की तरफ वो जाना चाहे। सर जैसे मैं सोचता हूँ कि नायब तहसीलदार के डोमेन में क्या हो सकता है कि अगर कोई लोग जैसे टूरिज्म आस्पेक्ट से लैंड डील्स वगैरह कर रहे हैं तो हम उनको फास्ट कर सकते हैं, स्पीडी अप्रूवल्स दे सकते हैं, एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिखा है कि पार्टिसिपेट करते हैं आप डिस्कशन रिगार्डिंग करंट इश्यूज में, तो क्या रिसेंट क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं। तो लाइक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी महाराष्ट्र में जो वहां पर शिवसेना के दो फैक्शन के बीच में आपस में क्लैश चल रहा है उसके रिगार्डिंग, और दिल्ली की स्पेशल स्टेटस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। रविंदर बजट आया था, है ना, बजट में 3 ऐसी बातें जो मतलब आपको लगी कि बहुत अच्छे स्टेप्स हैं इस बार जो हिमाचल प्रदेश का बजट है। सर पहला तो कि हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाना है 2026 तक, सुखाश्रय स्कीम,
सुखाश्रय में मैक्सिमम एज क्या है? सॉरी सर, अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं, ये क्या चेंज आप लाना चाहोगे? सर मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग खुद नायब तहसीलदार के पास जाते हैं, मैं चाहूँगा कि